हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकोनॉमिक्स। सो आज हमारा जीडीपी सीरीज का लास्ट पार्ट है, ठीक है। सो फार जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, पहले तो हम उनकी बात कर लेते हैं। पहले टॉपिक में हमने समझा था, फर्स्ट लेक्चर जो जीडीपी सीरीज का था उसमें हमने ये समझा था कि बेसिकली जीडीपी होता क्या है, राइट, कौन कौन सी अथॉरिटीज इसे कैलकुलेट करती है और ये क्यों थोड़ा बहुत हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जीडीपी की जो वैल्यूएशन होती है वो करंट प्राइसेस पे और बेस ईयर प्राइसेस पे कैसे होती है, जो बेस ईयर प्राइस है वो कौन सेट करता है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है रियल जीडीपी की, क्या इंपॉर्टेंस है आपके नॉमिनल जीडीपी की, और जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिससे कि हम नॉमिनल को रियल या रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट कर पाए, मीन्स इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर पाए, राइट। इसके बाद जो लेक्चर हमने लिया उस लेक्चर में बेसिकली जब हम बात करते हैं कि आपने कौन से टॉपिक्स को पढ़ा, तो उस लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स थे हमने कवर अप किए कि क्यों जीडीपी सिग्निफिकेंट है इतना ज़्यादा, क्या इंडिकेट करता है किसी कंट्री का जीडीपी, क्या होता है अगर जीडीपी बढ़ जाता है तो, ठीक है। सो अभी तक जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े, अगर आप सारे टॉपिक को केयरफुली एग्जामिन करो, तो अब तक हम सिर्फ बात करते आए कि क्यों 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 इतना ज़्यादा जीडीपी जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। सो इन दिस लेक्चर, इन दिस सेक्शन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ अ जीडीपी। मैंने आपसे बहुत पहले ही कहा था कि जैसे एक स्कोर कार्ड, मतलब आपका रिपोर्ट कार्ड आपको एक अच्छा स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी और होती हैं जो आपको एक अच्छा ह्यूमन बनाती है, राइट। सिर्फ अच्छे मार्क्स आ जाने से ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे हो, मे बी अपैरेंट और कुछ भी है, और वो अच्छे मार्क्स की वजह भी तो बहुत सारी हो सकती है, चीटिंग करना हो सकता है या एग्जाम लीक होना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलर विद जीडीपी, अगर किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो इज इट नेसेसरी कि हमेशा वो एक कंट्री का वेलफेयर का इंडेक्स ही माना जाएगा? क्या जरूरी है एक कंट्री इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए कि जीडीपी के ऊपर, कि सिर्फ जीडीपी को ही वो सब कुछ मान ले? सो इन दिस सेक्शन इन चीजों पर फोकस करते हैं। पहला तो एज यूजुअल मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी है, एक स्टेटमेंट लिखी है, एक्चुअली में वो स्टेटमेंट क्या इंपॉर्टेंस कर रही है, हाईलाइट कर रही है जीडीपी के ग्रोथ के लिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं, व्हेन रियल जीडीपी इंक्रीजेस। नाउ आई होप आपको रियल जीडीपी का मतलब पता है, रियल जीडीपी व्हाट, जो प्राइसेस को एडजस्ट करके किया गया। तो व्हेन रियल जीडीपी इंक्रीजेस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेंड्स टू राइज, ऑफ कोर्स कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट कौन से थे, जैसे कि पॉपुलेशन को हमने कॉन्स्टेंट कर दिया था, ठीक है। अगर पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट हो जाए सो दिस इंप्लाइज ग्रेटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि वो फैमिली मेंबर का केस याद करो कि चार मेंबर है ना, तो पर जब अगर फैमिली मेंबर्स नहीं बढ़ेंगे तो पर पर्सन फंड्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इंप्लाइंग हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। इससे होगा क्या, इससे वेलफेयर भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब आपकी बात मेन हमारी, However, this generalization, जो ये हम generalize कर रहे हैं statement, may not be true in every manner. ये हमेशा सही हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट हमेशा सही होगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स में हम बात करें तो वी कैन से दैट देर आर सर्टेन लिमिटेशंस। वो कह रहे हैं कि अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, 10 वर्ड्स को लेकर के चले, तो वो कह रहे हैं कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं जीडीपी के साथ में, ठीक है। लिमिटेशंस रिलेटेड टू जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, मतलब जीडीपी को वेलफेयर का इंडेक्स मानने के लिए कुछ लिमिटेशंस तो हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या है, दैट वी हैव टू लुक अपॉन। तो सबसे पहला है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। देखो जो पॉइंट्स मैंने आपसे लिखे, पहले एक काम करते हैं, इस पॉइंट का एक क्या कर लेते हैं, अपने हिसाब से एक आइडिया बिल्ड करते हैं, फिर इस पॉइंट पे आ जाएंगे जो लिखा हुआ है। कॉम्पोजिशन, What do you mean by composition? Composition means कोई चीज कैसे बन रही है ना? इसी चीज को तो हम composition बोलते हैं। तो देखो GDP जितना भी आपने पढ़ा, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि GDP क्या show करता है। GDP show करता है monetary value, है ना? अगर आपने clothes बनाए, अगर आपने shoes बनाए, अगर आपने egg बनाए, अगर आपने वॉच बनाई, मार्कर बनाया, वो जीडीपी इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जीडीपी जब आप किसी कंट्री का देखोगे तो वो ये बताएगा कि इस कंट्री ने जीडीपी कितना बनाया। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंडिया का जीडीपी कितना था, $2.9 trillion। अब आपको या मुझे क्या पता कि इस $2.9 trillion में कितने क्लोथ्स बने हैं, कितने वेजिटेबल्स बने हैं, है ना, कितने शूज, कितने वॉचेस, कितने आईफोन, कितना कुछ क्या क्या बना है, हमें तो नहीं पता ना, ठीक है। तो मतलब
जीडीपी सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को शो करता है। अब एक बात सोच के देखो, अगर कोई भी कंट्री सपोज इटली वेपन्स को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है, डिफेंस गुड्स को बहुत प्रोड्यूस करती है उस कंट्री के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मान लो स्मगलिंग, मतलब स्मगलिंग एज ए ड्रग्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, इन सच केस उसकी कंट्री की जीडीपी की मॉनेटरी वैल्यू, क्योंकि जीडीपी मॉनेटरी वैल्यू वो तो बढ़ेगी भाई, आप टैंक बनाओ, आप न्यूक्लियर बनाओ, आप AK-47 बनाओ, आप मशीन गन बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, ठीक है, लेकिन आपकी मॉनेटरी वैल्यू तो बढ़ रही है ना। जस्ट एक बार सोच के देखो, अगर कोई कंट्री ऐसी चीजों को प्रोड्यूस करती है तो उस कंट्री का डायरेक्ट बेनिफिट कैसे हो सकता है। हाँ, इनडायरेक्टली आप अपनी कंट्री के पीस के लिए बना सकते हो, बट फिर भी जो क्वांटम होना चाहिए कंज्यूमर गुड्स का, डोंट यू थिंक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा तो हम वॉर सिचुएशंस में होते भी नहीं है, है ना। तो और वैसे भी अगर है भी तो वैसे ही वो कंट्री फायदेमंद नहीं है, ठीक है, सीरिया जैसी कंट्री की अगर हम बात कर ले तो। सो इट इज नेसेसरी कि कंट्री में कंज्यूमर के लिए जो गुड्स बन रहे हैं वो ज्यादा बने, क्योंकि मैंने आपसे बहुत पहले समझाया था जब नेशनल इनकम शुरू किया था कि हर पर्सन एक कंज्यूमर है, तो कंजम्पशन जब तक नहीं मिलेगा करने को, AK-47 या बॉम्ब लेके तो घूमते नहीं फिरेंगे ना जेब में हम कि चलो आओ भूख लग रही है बॉम्ब फेंक दे, खाना छीन लाते हैं, ऐसा तो कोई नहीं करता ना। सो दैट इज द आइडिया। तो अगर इन सब के प्रोड्यूस होने से जीडीपी बढ़ जाएगा तो ना ही उसमें आपका वेलफेयर है, ना ही मेरा वेलफेयर है, ना ही सोसाइटी में किसी का वेलफेयर है। सो दैट इज द पॉइंट हियर। इट इज अज्यूमिंग एन इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ डिफेंस गुड्स, एक इकोनॉमी जो बहुत ज्यादा डिफेंस गुड्स बनाती है, ठीक है, टू ऑफर ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट, ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट का मतलब बहुत शांत एनवायरनमेंट देने के लिए अपने लोगों को। द जीडीपी सो फॉर्म मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड, अगर ऐसा जीडीपी बन रहा है तो वो वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। इवन इफ जीडीपी टेंड्स टू राइज एज इट इज नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोशल वेलफेयर, यही पॉइंट हमें सबसे मेन ध्यान देना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं, है ना, बॉम्ब्स वगैरह से तो इनडायरेक्टली कोई प्रोडक्शन के लिए पीस होगा, कंजम्पशन के लिए पीस होगा, लेकिन डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, डायरेक्ट मुझे और आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम जीडीपी के ऊपर एक क्वेश्चन उठा देते हैं इस पॉइंट को लेके कि जीडीपी का बढ़ना हमेशा वेलफेयर शो करेगा जरूरी नहीं है। सिमिलरली हमने लिखा है अगर कोई सोशली अनडिजायरेबल गुड्स बनाते लाइक स्मैक, ब्राउन शुगर, हेरोइन, ये सब प्रोड्यूस होता है, तो अगेन आप जानते हो कि उनका कंजम्पशन करके भी किसी का भला नहीं होता। सो दैट इज द आइडिया। सेकेंड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर मैं बहुत टाइम बात कर चुका हूँ आपसे, इससे पहले भी बात मैंने आपसे करी थी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, वेयर फ्यू पीपल आर गेटिंग अ लार्जर पाई ऑफ द योर इकोनॉमी, मतलब कुछ लोगों के हाथ में ही सारा का सारा पैसा सिमट के आ जाए, है ना, तो उससे पूरे देश का फायदा क्या। अब एक बार सोच के देखो, जीडीपी $2.9 trillion इंडिया का, उसमें आपने कितना दिया आपको पता है क्या, नहीं पता। मैंने कितना दिया मुझे पता है क्या, नहीं पता। मिस्टर अंबानी ने कितना दिया, एयरटेल ने कितना दिया, बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट दिया होगा। अब आप ये सोचो, मान लो टाटा और अंबानी, एयरटेल, ठीक है, अदानी, सन फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, अब ऐसे कुछ लार्ज कंपनीज जो है, ऑब्वियसली बात है हमारे इंडिया की बहुत बहुत लार्ज कंपनीज है, ठीक है, पिरामल ग्रुप, ये कंपनीज जो है, आदित्य बिरला ग्रुप, मान लो ये कंपनीज जो है, इनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, बढ़िया बढ़ रही है, ये बढ़िया काम कर रहे हैं, क्या जीडीपी बढ़ेगा, ऑफकोर्स बढ़ेगा। जीडीपी कोई मेरा या आपके घर की थोड़ी बात थोड़ी ना, कोई भी ज्यादा प्रोडक्शन कर लो जीडीपी में तो रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा। मतलब अगर सिर्फ 10 लोग भी प्रोडक्शन कर देंगे ना तो भी जीडीपी बढ़ जाएगा, और शो क्या करेगा कि जी इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है। अरे इंडिया का जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट कितने लोगों को हो रहा है, द क्वेश्चन इज दिस, उसका बेनिफिट इक्वली सबको होना भी तो चाहिए ना, है ना। कंट्री जब बढ़ रही है तो फिर वो सबसे बढ़े तभी अच्छा, अगर कुछ लोगों की वजह से बढ़ जाए या कुछ पॉलिसीज ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म हो जाए जिससे कुछ लोगों का ही पर्टिकुलर सेक्शन में ग्रोथ होना शुरू हो जाए, तो कंट्री का जीडीपी तो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए इवन हमारे लिए भी बढ़ता हुआ शो होगा, बट बेनिफिट तो कुछ भी नहीं होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। सो व्हाट वी हैव रिटन, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट होंगे आप समझते हो ना, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे सारा कंसंट्रेशन एक ही तरफ हो जाता है, तो स्क्यूड क्या होता है, अनइक्वल। तो अगर जीडीपी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये भी एक लिमिटेशन है। कैसे है, देखो हमने क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना है साइन को। इफ अ लार्जर प्रपोर्शन, मतलब एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का गेट्स स्मॉलर
यहां पे आएगा गेट्स स्मॉलर प्रोपोर्शन, ठीक है, ऑफ इकोनॉमिक पाई, मतलब जो भी हमारी इकोनॉमिक पाई है, मतलब जो भी हमारा इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ आया है उसका उस पर्टिकुलर शेयर का एक बहुत स्मॉल पोर्शन मिलेगा और फ्यू पीपल गेटिंग लार्जर इकोनॉमिक पाई, या फिर बहुत कम लोगों को एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया, ठीक है, ओके. Then growth of this pattern is meaningless as richer are getting richer while poor are getting worse, है ना? क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिल गया और बहुत लोगों को बहुत थोड़ा मिला, तो इससे इकोनॉमी में इवन डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ नहीं, तो फायदा क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा. अब मैं इसी के ऊपर आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ. देखो रिपोर्ट किसकी है, रिपोर्ट है ऑक्सफैम इंडिया की. ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल एनजीओ आप कह सकते हो, 1942 में ब्रिटेन में फॉर्म की गई थी ये एनजीओ. इसका काम पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे चाइल्ड लेबर, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, पॉवर्टी, ठीक है, इनइक्वालिटी, ऐसे जितने भी वही हमेशा जो सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं सोसाइटी के, उनके ऊपर काम करती है. इनकी रिपोर्ट है 2020 की, जिसके अकॉर्डिंग देखो क्या लिखा है, इंडियाज रिचेस्ट 1%, मतलब इंडिया के जितने भी रईस लोग हैं उसका 1% richest 1%, जो भी richest 1% है hold more than 4 times, वो hold करते हैं कितना, more than 4 times, 4 times से भी ज़्यादा, किसका, the wealth held by 953 million people, ठीक है, who make up for the bottom 70% of the country's population, मतलब कंट्री के 70% पॉपुलेशन ये रही, ठीक है, और ये कंट्री के रईसों का सिर्फ 1% पॉपुलेशन का हिस्सा, ये 70 पॉपुलेशन जो है 70% को कितनी है, 953 मिलियन, इनके पास जितना भी वेल्थ है ना उस वेल्थ का 4 गुना ज्यादा सिर्फ इंडिया के 1% रईसों के पास है. ये ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट है. अब आप सोचो कि आप और मैं इस लिस्ट में कहां आते होंगे, वी आर नथिंग. अगर मैं बात करूँ ना अपने देश की, कि हम क्या अपने देश के अंदर, अगर अभी करंट पोजीशन को लेकर चलूँ, आई एम नॉट श्योर कि आप में से कौन कौन ये वीडियो देख रहे हैं, ऑफकोर्स अगर आप में से कोई अंबानीज है या उनके रिलेशन में तो एक अलग बात है, मैं बहुत कॉमन पीपल की बात कर रहा हूँ, ये हम ये हैं सर. अगर इसकी हम बात करते हैं तो हम बिल्कुल ही ये स्टैंड करते हैं, क्योंकि 1% 4 मतलब 70% लोगों से ज्यादा जितनी भी वेल्थ है उनका 4 गुना होल्ड करती है. सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. हम कहाँ पे हैं, वर्ल्ड के 5वें नंबर पे. हालात क्या है, ये रहे हालात. सो अगेन एक लिमिटेशन है जीडीपी का, ठीक है. देन नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, आप जानते हो वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसिडर कर सकता है, तो वो एक्टिविटीज जो नॉन इकोनॉमिक है जिनमें मनी ही इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो जीडीपी को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं, दो आपका वेलफेयर कर सकते हैं बट जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते. भाई लंदन का आया आपने, बड़ा अच्छा लगा, सबको अच्छा लगता है, वेलफेयर हुआ, भूख मिट गई, जीडीपी काउंट नहीं करेगा. कहीं पे आपने काम कर दिया, आपने जो भी छोटा मोटा गाँव वगैरह में काम किया उसके बदले पेमेंट नहीं मिली, आपको खाना मिल गया, भला तो हो गया, चलो ठीक है काम किया था खाना मिल गया, लेकिन जीडीपी फिर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. आपकी मदर इतना अच्छा सर्व करती है जिसकी वजह से आपका और मेरा कितना वेलफेयर होता है, अगेन जीडीपी रिफ्लेक्ट नहीं करता. तो वो कोई भी ट्रांजेक्शन जो मनी में नहीं है वैसे किसी भी ट्रांजेक्शन को जीडीपी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, चाहे वो ट्रांजेक्शन हमारा कितना ही वेलफेयर इंक्रीज क्यों ना कर दे, राइट. सो देखो लिखा हुआ है, जीडीपी डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन दोस ट्रांजेक्शंस दैट आर नॉट एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स. वो ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है जीडीपी उन्हें इग्नोर करता है. सच एज सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ, किसी हाउसवाइफ ने सर्विसेज दी, इसे आप एग्जैक्टली हाउसवाइफ ना बोले, हम लोग इसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, इट्स बेटर इफ वी से इफ वी कॉल इट हाउस मेकर, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है इसके लिए, क्योंकि उन्होंने घर से शादी नहीं करी होती कभी भी, है ना. तो हाउस मेकर, किचन गार्डनिंग आप करते हो ऑफकोर्स, बहुत मिर्चियाँ विर्चियाँ सब लोग उगा लेते हैं, फायदा भी है, लेकिन जीडीपी काउंट नहीं करेगा. इवन इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इन कंट्रीज लाइक इंडिया मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट अंडर डेवलप्ड, वी आर डेवलपिंग. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस इन रूरल एरियाज सच एज पेमेंट इन काइंड इज क्वाइट पॉपुलर, मतलब अगर हम रिमोट एरियाज की बात करते हैं, आज भी बार्टर सिस्टम जैसी चीजें वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है. तो बार्टर सिस्टम जैसी चीजें आज भी एग्जिस्ट कर रही है, तो बार्टर सिस्टम तो जीडीपी में आएगा नहीं, मनी वैल्यू कुछ हुई नहीं उसकी, लेकिन उससे लोगों का ट्रांजेक्शन भी हो गया, लोगों का भला भी हो ही रहा है,
उनके लेवल तक पे तो हो ही रहा है ना, बट जीडीपी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज व्हाट अ नॉमिनल एक्सचेंजेस, ठीक है, ये हमारे तीन पॉइंट्स आ गए। अभी हमारे पास और पॉइंट्स है, ठीक है, देखते हैं वो पॉइंट्स क्या है। तो फोर्थ पॉइंट आपके सामने है एक्सटर्नालिटीज। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एक्सटर्नालिटी, आप समझ लो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांस टॉपिक है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादातर पढ़ा जाता है। मैं फिर भी आपको समझाता हूँ क्या होता है। इसे समटाइम्स हम सोशल कॉस्ट भी बोलते हैं। आप इसे ऐसे समझो, मतलब कई बार क्या होता है किसी इंडिविजुअल का या किसी फर्म का कोई एक्शन होता है, मतलब कोई भी एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी या तो मुझे पॉजिटिव बेनिफिट्स दे सकती है, पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है, या फिर नेगेटिवली। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि ये जो भी बेनिफिट या हार्म है इसके लिए कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं होता। मतलब अगर मुझे बेनिफिट होता है, हमें बेनिफिट होता है, तो हम उन्हें कुछ पे नहीं करते उस बेनिफिट के बदले, और हमें अगर कुछ नुकसान होता है तो अगेन हम नुकसान के लिए भी कुछ पे नहीं करते, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नालिटी। माइक्रो में काफी बार ये सोशल कॉस्ट के तौर पर पढ़ा जाता है, ठीक है। अब समझो, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा इट रेफर्स टू प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस समझते हैं फायदे, कॉन्स नुकसान, ऑफ एन एक्टिविटी ऑन द सोसाइटी बाय अ फर्म और एन इंडिविजुअल फॉर विच नीदर दे आर पेड नॉर पेनलाइज्ड। मतलब वही बात है कि किसी भी चीज के फायदे या नुकसान जिसके बदले ना ही पे किया गया हो, ना ही उनको पेनलाइज किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। अब प्रोस और बेनिफिट्स आर नोन एज पॉजिटिव एक्सटर्नालिटीज, राइट। ये हमें याद रखना है कि जो बेनिफिट होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी। जैसे ये कहा कि मान लो मिस्टर एक्स है जो कि एक एनजीओ रन करते हैं, जिनका काम क्या है, जिनका काम है एरियाज में जगह जगह जाना और जगह जगह जाके ट्री प्लांटेशन करना, ठीक है, जहां उनको जगह दिखती है वो वहां जाके ट्री प्लांटेशन करते हैं। अब ऑफकोर्स ये बात है, जो भी लोग उस ट्रीज के आसपास के एरिया में होंगे दे विल बी डेफिनेटली गेटिंग अ फ्रेश एयर, प्योरीफाइड एयर, और आपको भी पता है अच्छी एयर, फ्रेश एयर, प्योरीफाइड एयर जब हमें मिलती है तो हमारे को क्या मिलता है, एक हेल्दियर लाइफ मिलती है, वी कैन एंजॉय अ हेल्दी लाइफ, राइट, ठीक है। लेकिन आप सोचो वो एनजीओ रन कर रहे हैं वैसे भी, तो अगर उनको ये काम पसंद ही आता है कि भाई मेरा काम ही मेरे को पसंद है कि मेरे को पेड़ लगाना है, दो पहले बहुत बिजनेसमैन है, बस उनको लगता है इनको पेड़ पौधों का शौक है तो वो हर जगह लगाते हैं, है ना। अब आप ये बात सोचो, ये चीज जीडीपी के रैम के बाहर होती है, ये जीडीपी के डोमेन के बाहर है, क्यों, क्योंकि ये पेनलाइज, मतलब इसके लिए कोई उनको कोई पेमेंट ही नहीं है, ही इज नॉट पेड। तो ये हो गया। कॉन्स में हमने क्या किया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नालिटी, ठीक है। होप आपको प्रोस और बेनिफिट समझ में आएंगे। कोई भी पॉजिटिव एक्शन हो सकता है, आप अपने घर के आसपास एक नर्सरी छोटा मोटा प्लांटेशन करते हो वो भी बेनिफिट हो सकते हैं, आप लंगर वगैरह कर रहे हो ये भी आपके फायदे ही है, आपके आपका एक्शन है, लंगर कर रहे हो, कौन आपको पेमेंट देने आ रहा है, कोई आपको पेमेंट देने नहीं आ रहा, बट सोसाइटी को बेनिफिट तो हो ही रहा है ना, तो कोई भी आपका एक्शन जिससे सोसाइटी को बेनिफिट होता है, वैसे ही कोई भी एक्शन जिससे सोसाइटी को नुकसान होता है। अब मान लो तो यही मिस्टर एक्स कोई फैक्ट्री चला रहे हैं जहां से स्मोक निकलता है, या जो भी इस फैक्ट्री का डंपिंग ऑफ वेस्ट इतना भी है समुद्र में, आप नदियों में अपना जो भी वेस्ट है वो फेंकते जा रहे हो, पेड़ काटते चले जा रहे हो, यहाँ तुम पेड़ लगा रहे थे, यहाँ तुम पेड़ काट रहे हो बार बार, ठीक है। अब आप ये सब चीजें सोचो, अगर ऐसी चीजें होंगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, है ना। अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस होंगे, आप बहुत अच्छे से समझते हो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हम लोग आजकल बहुत फेस कर रहे हैं, जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ता चला जा रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, वो फ्रेश एयर हमारे पास से चली गई है, आपको पता ही है इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत बार बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड की गई कि बड़ा फ्रेश एयर देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा खुला आसमान देखने को मिल रहा है दिल्ली और मुंबई वालों को, क्या मतलब है इस सबका, क्योंकि जो हम लोगों की एक्टिविटीज थी, इतनी सारी फैक्ट्री, इतना सारा हमड्रम जो था, उसकी वजह से हमारे जो पूरा एक, मैं कहता हूँ एयर स्पेस है, उसमें हमारी एक स्मॉग की लेयर बनी पड़ी थी, ठीक है, वो पॉल्यूशन की लेयर थी, जिससे एक क्लियर स्काई, क्लियर विजन नहीं था। अब इतने टाइम फैक्ट्रीज बंद रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो फायदा हो गई, तो ये सब चीजें। लेकिन इसके लिए इनको, जैसे वहां पे इनको पे नहीं किया गया था, यहाँ पे इनको पेनलाइज नहीं किया गया, तो ये एक्सटर्नालिटीज
देखो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपकी सोसाइटी को, क्योंकि यही एक चीज है। देखो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते में सबसे पहले ये चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रोकने वाली, क्योंकि यही नेचुरल रिसोर्सेस को इस रेट पे डिप्लीट करती चली जा रही है कि आप फ्यूचर जनरेशन के लिए तो क्या अपने लिए नहीं सोच सकते कि आप अपने लिए 20 साल बाद चीजों को यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो एक्सटर्नलिटीज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, मेनली कौन सी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव तो कुछ करते ही नहीं लोग, छोड़ो उसको, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है जो बहुत ज्यादा आपको याद रखने वाली चीज है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आपको आगे भी पढ़ने को बार बार मिलती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है जॉबलेस ग्रोथ। अब ये क्या है ग्रोथ और जॉबलेस ग्रोथ, मतलब देखो ग्रोथ हो रही है लेकिन वो ग्रोथ इतनी नहीं है कि वो सफिशियंट अमाउंट में जॉब्स को क्रिएट कर सके, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सके, जो कि इंडिया की इस टाइम की कंडीशन है। एग्जैक्टली इंडिया इसी टाइम की कंडीशन कुछ सालों से फेस कर रहा है। जब से हमारे पास मोदी जी की गवर्नमेंट आई है बहुत सारे बेनिफिट्स हमारी कंट्री को हुए हैं, खैर उसका तो एक हम अलग से लेक्चर लेंगे कि क्या ही उन्होंने इतने 6 साल के पीरियड के अंदर उनके आने से इकोनॉमी के क्या क्या इम्पैक्ट है। बट फिलहाल यहाँ पे आप अगर फोकस करो तो अगर हम उस चीज़ की बात करें क्या रीजंस है उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, फिलहाल हम अपना पॉइंट समझते हैं। 6 साल में ये कहा जा रहा है कि GDP तो बढ़ा है इंडिया का, 2 GDP ग्रोथ रेट कम हुआ है। एक पूरा चार्ट बना के दिखाऊंगा मैं आपको पूरा वर्ल्ड बैंक का, जिससे कि 2007 के क्राइसिस से लेकर के 2019 के जो कोविड 2020 में कोविड आ गया इससे पूरी इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका एक प्रॉपर एक लेक्चर लेंगे जिसमें पूरी तरीके से इसे इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। उस 7 के पीरियड से लेके अब तक के पीरियड पे प्लस मोदी गवर्नमेंट का कांग्रेस गवर्नमेंट का सारा एक ही में इवैल्यूएट करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन उस टाइम से GDP बढ़ा, ठीक है, बट GDP बढ़ने के बाद भी उतनी ज्यादा जॉब्स नहीं बढ़ पाई हैं। तो ये सबसे बड़ा ना एक आप कह सकते हो कि मोदी गवर्नमेंट के लिए क्रिटिक है कि भाई आप ऐसा क्या कर रहे हो कि कंट्री का GDP तो बढ़ रहा है बट आपकी कंट्री के अंदर जॉब्स नहीं बढ़ पा रही। तो आप भी सोच के देखो क्या फायदा होगा अगर GDP बढ़ भी जाए बट लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो अनएम्प्लॉयड लोग कहाँ से एक अच्छी लाइफ एंजॉय करेंगे। एक अच्छी लाइफ के लिए, एक बेटर लाइफ के लिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए वन शुड हैव मनी। जब तक मनी नहीं है, मनी कैसे नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनी जॉब। जॉब होगी तभी तो कुछ, जॉब मतलब कोई बिजनेस कुछ तो हो काम करने का, कोई तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ना, तो वो नहीं है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आपकी फायदा नहीं है, आपको कोई भी चीज का बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। तो जैसा इंडिया में ऐसा कब होता है, एक आइडिया देता हूँ, जब एक कंट्री अपने सर्विस सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि सर्विस सेक्टर रिक्वायर्स लेस लेबर, ठीक है। तो जब एक कंट्री अपने सर्विस सेक्टर को बहुत प्रमोट करती है, इन सच केसेस ऐसा होता है कि आपकी कंट्री के अंदर GDP तो बढ़ रहा है, क्योंकि काम तो हो ही रहा है ना, सर्विस सेक्टर से काम तो बढ़ ही रहा है, सर्विसेज तो बढ़ ही रही है, बट क्योंकि आप प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर रहे है ना, तो लेबर की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, और लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लेकिन GDP साथ में बढ़ता जा रहा है। तो अगर ऐसा GDP बढ़ भी जाए तो किसके लिए बेनिफिट है, वो किसी कंट्री के लिए बेनिफिट नहीं है। और एक रेट ऑफ पॉपुलेशन, दो इसको हमने यहाँ पे कवर कर ही लिया था, क्योंकि हमने कहा था कि क्या होना चाहिए, कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, जिसमें कि हमने दो चीजों की बात की थी। दो चीजें कौन सी, क्योंकि हमने रियल GDP की बात कर ली तो प्राइस हमने पहले ही कॉन्स्टेंट कर दिए, वरना कई जगह पे आप देखोगे लिखा होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ GDP लिखेंगे, क्योंकि हमने रियल GDP लिया है तो इसका मतलब हम इन्फ्लेशन को पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं। और क्योंकि हम बात कर चुके हैं अदर फैक्टर्स की तो उसमें हमने पॉपुलेशन को भी कवर कर लिया। पॉपुलेशन का फंडा आप अच्छे से समझ ही चुके हो कि जब तक पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट नहीं होगी तब तक आप मान सकते हो पर पर्सन अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ सकती। पर पर्सन की अवेलेबिलिटी बढ़ने के लिए जरूरी है कि आपके पास ये हो, ठीक है। ऊपर आई कार्ड आप ओपन करके बाकी सारे GDP के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे देख सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर GDP। यही मैंने आपसे कहा था 5 लेक्चर्स में आपको पूरा GDP में समझा दूंगा, ठीक है। एंड इट्स नॉट डिनाइंग फैक्ट के इतना ही GDP नहीं होता, GDP देयर इज लॉट टू लर्न। देखो आप किसी चीज में घुसते तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होती चली जाती हैं, बट मैं आपसे कहता हूँ कि ये जितना आपने इन 5 लेक्चर में सीखा है ये आपकी इवेल्युएशन किसी भी इकोनॉमी को लेकर बहुत स्ट्रांग कर देगा, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आप हर एक फेज को आप जान पाओगे और बहुत अच्छे से समझ पाओगे, राइट।
बट ऐसा नहीं है कि हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, आगे हम और भी चीजें अपलोड करते रहेंगे, काफी सारी चीजें हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हैं आपके लिए जो जीडीपी जीवीए समझाएंगे आपको। इसके अलावा बिजनेस साइकिल्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमी के अंडरस्टैंडिंग के लिए, जितनी भी चीजें हैं इकोनॉमी को अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।